ये पांच पतियों का क्या रहस्य था? दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी और पांडवों की पत्नी थी। कौरवों द्वारा आयोजित किए गए जुए के खेल में द्रौपदी को दाव पर लगाया गया था। पांडव दाव हार गए और उसके बाद दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया। द्रौपदी के चरित्र के ये वो पहलू हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं द्रौपदी का किरदार बहुत ही आदर्श है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं द्रौपदी से जुड़ी कुछ बेहद रोचक बातें। गर्भ से नहीं हुआ था द्रौपदी का जन्म। महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक बार राजा द्रुपद पांडवों से पराजित होने के कारण परेशान थे। जब से द्रोणाचार्य के कारण युद्ध में उनकी हार हुई, उन्हें एक पल भी चैन नहीं था। वे द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र की चाह में एक आश्रम से दूसरे आश्रम में भटकने लगे। ऐसे ही भटकते हुए वे एक बार कलमाशी नाम के नगर में पहुंचे। उस नगर में ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले ब्राह्मण रहते थे। वहीं उन्हें दो ब्राह्मण याज और उपयाज मिले। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज से अपने लिए पुत्र प्राप्ति हवन करने के लिए प्रार्थना की। फिर उपयाज के कहने पर उन्होंने याज से प्रार्थना की। उसके बाद याज ने राजा द्रुपद के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए हवन करवाया। दोस्तों, उस अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। वो कुमार अग्निकुंड से निकलते ही गर्जना करने लगा। वो रथ पर बैठकर इधर उधर घूमने लगा और उसी वेदी यानी हवन कुंड से कुमारी पांचाली का जन्म हुआ। पांचाली यानी राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ी के जैसी थी, नीले नीले घुंघराले बालों व कोमल होठों वाली थी द्रौपदी। द्रौपदी का रंग सांवला था। ऐसा लगता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके सामने आ गई हो। इसके बाद ब्राह्मणों ने दिव्य कुमार व कुमारी का नामकरण किया। उन्होंने कहा कि ये कुमार असहिष्णु और बलवान व रूपवान होने के साथ ही कवच कुंडल धारण किए हुए है। इन पर अग्नि का प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए इस कुमार का नाम धृष्टद्युम्न होगा। ये कुमारी कृष्ण वर्ण की है और इनका नाम कृष्णा होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि किन विशेषताओं के कारण द्रौपदी अपने पतियों की प्रिय थी। एक पत्नी को किस तरह अपने पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए, इसका द्रौपदी से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। महाभारत में एक दृश्य में जहां सत्यभामा द्रौपदी से मिलने आई हैं और दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं, उसके बारे में हम आपको अभी दिखाते हैं। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि सखी, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे पति पांडव तुम्हारे वश में रहते हैं, वे सभी तुम्हारे अधीन हैं। सो आप ये रहस्य मुझे भी बताएं कि आपके पांच बलशाली पांडव पति आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं। तब द्रौपदी बोली कि सत्यभामा, तुम मेरी सखी हो, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल सच बताती हूँ। मैं अहंकार और क्रोध से दूर रहती हूँ। मैं अपने मन पर काबू रखकर केवल पति की खुशी देखते हुए उनकी सेवा करती हूँ। असभ्यता से खड़ी नहीं होती, उनसे कड़वी बातें नहीं कहती हूँ। चाहे कैसा भी पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के अलावा किसी पुरुष पर आकर्षित नहीं होता है। पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती हूँ। जब जब पति घर आते हैं तो मैं खड़े होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, समय पर भोजन बनाती हूँ और सभी को प्रेम से खिलाती हूँ। मेरे पति जिस चीज को नहीं खाते या नहीं पीते या सेवन नहीं करते, उससे मैं भी दूर रहती हूँ। मेरी सास ने मुझे जो भी धर्म बताए हैं, मैं उनका पालन करती हूँ। विपरीत समय में अपने पति का हर संभव सहयोग करती हूँ। रिश्ता कोई भी हो, करें पूरा विश्वास। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास होता है। द्रौपदी का चित्रण हमें महाभारत में एक ऐसी पत्नी के रूप में मिलता है जो हर परिस्थिति में अपने पति पांडवों पर आंख मूंद कर विश्वास करती है। फिर चाहे पति द्वारा दाव पर लगाए जाना हो या जयद्रथ द्वारा अपहरण या कीचक का बुरी नजर डालना, द्रौपदी ने कभी अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया। एक बार की बात है, पांडव द्रौपदी को आश्रम में छोड़कर धौम्य ऋषि के आश्रम चले गए थे। उस समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था। जयद्रथ और उसकी सेना उस समय धौम्य ऋषि के आश्रम के पास से गुजरे। जयद्रथ की नजर आश्रम के बाहर अकेली खड़ी द्रौपदी पर पड़ गई। वो उस पर मोहित हो गया। उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा पति कौन है? या तुम कोई दिव्य कन्या हो? जब द्रौपदी ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं महाराज द्रुपद की पुत्नी कृष्णा हूँ और मेरे पति पांडव हैं, तो ये सुनकर जयद्रथ बोला कि उन पांडवों के पास कुछ भी नहीं है, वे अब वनवासी हो गए हैं। तुम मुझसे विवाह कर लो और महलों का सुख भोगो। द्रौपदी ने उसे धिक्कारा और कहा, वीर होकर ओछी बात करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे दुष्ट,
तू मेरे पति पांडवों को नहीं जानता, वे तेरी सेना को आसानी से परास्त कर देंगे। ये सुनकर जयद्रथ बोला, मेरे पास इतना सेना बल है कि मैं पांडवों को धूल चटा दूंगा। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो सीधी तरह से रथ में बैठ जाओ या पांडवों के हार जाने पर मेरे सामने गिड़गिड़ाने को तैयार हो जाओ। द्रौपदी ने कहा, मेरा बल मेरी शक्ति महान है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, तुम्हारे जोर जबरदस्ती करने पर भी मैं तुम्हारे सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगी। तब एक रथ पर एक साथ बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन आएंगे। जब भीम तेरी तरफ गदा लेकर दौड़ेंगे, जब नकुल और सहदेव तुझ पर टूट पड़ेंगे, तब मुझे पश्चाताप होगा। ये सुनते ही जयद्रथ द्रौपदी को घसीटने लगा। द्रौपदी ने उससे कहा, मेरे कुरुवंशी पति शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे और तुझे परास्त करेंगे। तो दोस्तों, ये द्रौपदी से जुड़ी कुछ बहुत ही रोचक बातें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट जरूर दें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखते रहिए मानो या ना मानो।